आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप उबर या उबर ईट्स का कोई भी आपको कूपन मिलता है या गिफ्ट कार्ड मिलता है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट मैं जाता हूँ क्रेड ऐप में, जहाँ से मुझे गिफ्ट कार्ड मिला था 150 रुपये का। मैं ये इसका जो गिफ्ट कार्ड का कोड होता है वो कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं उबर का ऐप खोलूंगा। याद रखिए, आपको उबर का ऐप खोलना है जो हम टैक्सी बुक करने के लिए यूज करते हैं, ना कि उबर इट्स का ऐप। एक बार ये ऐप ओपन कर लीजिए आप, और जैसे ही आप उबर का ऐप ओपन करेंगे आपको 3 लाइनिंग दिखेंगे। जैसे ही आपको 3 लाइनिंग दिखते हैं उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, फिर पेमेंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको और एक ऑप्शन दिखेगा, ऐड पेमेंट्स मेथड, फिर उस पर क्लिक कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड और फाइनेंस के रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। जैसे ही हम ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे हमें एक ऑप्शन दिखेगा गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड के क्लिक करने के बाद में हमें जो कोड कॉपी किया है वो यहाँ पे हमको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में हम सेव पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि वो इमीडिएटली आपके जो 150 रुपये का मैंने ऐड किया था वो ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मेरे ऊबर के गिफ्ट कार्ड करके दिखा भी रहा है पेमेंट मेथड में। अब जाऊँगा ना मैं बैक करके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप कोई दूसरी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आपको कोई क्वेश्चंस रह गए तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं अभी बैक जाके आपको दिखा देता हूँ कि वो पेमेंट जो मैंने ऐड किया था गिफ्ट कार्ड वो कैसे मुझे शो कर रहा है। मैं इसके लिए बैक कर दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी रहेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।